तो चलिए दोस्तों, आज हम क्या करते हैं, इसका सेकंड लेक्चर देखते हैं। ठीक है, इसमें हम पहले लेक्चर में इनकी विशेषताएं देख चुके हैं। सेकंड में हम क्या करते हैं, डाइनोट्रोजन की या नाइट्रोजन की हम प्रिपरेशन देखते हैं। तो इसकी खोज है डेनियल रदरफोर्ड ने की थी। तो चलिए सीधे हम बनाने की विधि देखते हैं। बनाने की प्रयोगशाला विधि में क्या होते हैं, डाइनाइट्रोजन बनाने के लिए अमोनियम क्लोराइड और के जलीय विलयन की सोडियम नाइट्राइड से अभिक्रिया कराई जाती है। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड और सोडियम नाइट्राइड जब अभिक्रिया करते हैं तो अमोनियम नाइट्राइड बनता है और NaCl बनता है। ठीक है, स्वाभाविक सी बात है, ये इससे जुड़ जाता है और ये NH4NO2 से जुड़ जाता है और ये NaCl जुड़ जाते हैं आपस में, तो ये बन जाता है अमोनियम नाइट्राइड। फिर अमोनियम नाइट्राइड जो है उसको हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं। तो गर्म करने से क्या हो जाता है, N2 अलग हो जाता है नाइट्रोजन। ठीक है, और यहाँ पे H2 क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। गर्म करने से H2 अलग हो जाता है और N2 अलग हो जाता है, तो हमको मिल जाता है क्या, डाई नाइट्रोजन प्राप्त हो जाता है। ठीक है, फिर सेकंड विधि है, हम अमोनियम डाइक्रोमेट के तापीय अपघटन से भी हम उसको प्राप्त करते हैं। मतलब अमोनियम डाइक्रोमेट को हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं, हीट करते हैं, तो अभी हमको नाइट्रोजन मिलता है। ठीक है, यहाँ पे H2 भी प्राप्त होगा और क्रोमिक ऑक्साइड भी हमको प्राप्त होगा। ठीक है, फिर यदि हमको अतिशुद्ध डाइनाइट्रोजन प्राप्त करना है तो हम करेंगे यहाँ पे बेरियम एजाइड और सोडियम एजाइड के तापीय अपघटन से प्राप्त करेंगे। मतलब बेरियम एजाइड को हम गर्म करेंगे तो बेरियम अलग हो जाएगा और यहाँ पे हमको क्या मिल जाएगा, डाइनाइट्रोजन प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार जो सोडियम एजाइड है इसको गर्म करेंगे तो सोडियम अलग हो जाएगा और यहाँ पर हमको नाइट्रोजन प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, इसके हम कुछ भौतिक गुण देख लेते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी नाइट्रोजन के। सबसे पहला भौतिक गुण है कि ये रंगहीन होगा, मतलब इनका कोई कलर नहीं होगा, गंधहीन होगा। ठीक है, स्मेल कोई ऑर्डर नहीं होगा, स्वादहीन भी होगा और अवैसेला होगा। ठीक है, फिर हम बात करते हैं रासायनिक गुण की। तो रासायनिक गुण में देखेंगे हम कि जो धातु हैं, धातुओं से क्रिया करते हैं ये। ठीक है, और धातु से क्रिया करके क्या बनाते हैं, धातु नाइट्राइड बनाते हैं। जैसे हम सामान्य ताप पर देखें तो ये लिथियम धातु से क्रिया करके जो नाइट्रोजन है क्या बनाते हैं, लिथियम नाइट्राइड बनाते हैं। ठीक है, क्या बनाते हैं, लिथियम नाइट्राइड। फिर मैग्नीशियम से क्रिया करते हैं, ठीक है, 3Mg धन N2 क्या बनाते हैं, हम मैग्नीशियम नाइट्राइड बनाते हैं और ये रिएक्शन होती है अधिक ताप पर। ठीक है, और हाइड्रोजन के साथ क्या करते हैं, अधिक उच्च दाब एवं ताप में उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्रिया करके क्या बनाते हैं, अमोनिया गैस बनाते हैं। ये बहुत ही IMP रिएक्शन है, इसको अपन डिटेल में पढ़ेंगे आगे। ठीक है, नाइट्रोजन और हम लिखते हैं 3 मॉलिक्यूल्स कितने लेते हैं, हाइड्रोजन के। ठीक है, यहाँ पे जो आयरन है वो क्या है, हमारा उत्प्रेरक है और जो मॉलिब्डेनम रहते हैं वो उत्प्रेरक बाधक रहते हैं। यहाँ पे ताप लेते हैं हम कितना, 450 डिग्री सेंटीग्रेड और 200 ATM हम क्या करते हैं, ताप मतलब अधिक ताप एवं अधिक दाब पर लेते हैं, तो क्या बनते हैं, हमारा अमोनिया बनता है।